महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल पर लटकी तलवार, कोटा में महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की शुरुआत, नई महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने का भेजा प्रस्ताव, संयुक्त निदेशक महात्मा गांधी प्रकोष्ठ कार्यालय कोटा संभाग ने ये प्रस्ताव भेजा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक 19 स्कूलों को बंद करने का ये प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का नहीं दिया गया कोई कारण। प्रस्ताव तो भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई कारण यहाँ पर नहीं दिया गया है कि आखिर ये स्कूल्स, अंग्रेजी माध्यम के ये स्कूल्स क्यों बंद किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की शुरुआत कोटा से की जा सकती है, प्रस्ताव भेजा गया है। जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, पिछली कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल शुरू किए थे और अब बंद करने की शुरुआत जैसी खबरें यहां पर आ रही है, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं और क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूर्व कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों को कर्मरत करके महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया गए, करीब पहले चरण के अंदर 500 से अधिक स्कूलों को शुरू करने का प्रस्ताव किया और उसके बाद लगातार 5000 से अधिक स्कूलें वो अब तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर कर्मरत की जा चुकी है जी। तो ऐसे में नई सरकार बनने के बाद इन महात्मा गांधी स्कूलों के ऊपर तलवार लटक रही है और पहला प्रस्ताव कोटा से जारी हुआ है, जहाँ महात्मा गांधी प्रकोष्ठ के संयुक्त निदेशक, कोटा संभाग के संयुक्त निदेशक ने राज्य सरकार इनके और साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजा है कि जो नए महात्मा गांधी विद्यालय है उन्हें पुनः सामान्य विद्यालय में परिवर्तन किया जाए और पूरे पुनः पूर्व स्कूलों की तरह ही उन्हें संचालित करने का प्रस्ताव वो दिया गया है। साथ ही उन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा को भी पत्र लिखा और साथ ही ये जो पत्रावली है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग भी भेजी गई है। तो इस सूची के अंदर 19 ऐसे स्कूल हैं जो माध्यमिक अंग्रेजी मीडियम के अंदर कर्मरत की गई थी और स्कूलों का संचालन है वो भी इसी सत्र से किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इन स्कूलों को सामान्य स्कूल बदलने का जो काम है वो शिक्षा विभाग की ओर से करने का जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है। तो 19 स्कूलें कोटा जिले की हैं और कोटा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई, स्कूलों का जो चयन किया गया और माध्यमिक शिक्षा और साथ ही महात्मा गांधी प्रकोष्ठ निदेशक जो कोटा संभाग के, उन्होंने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। तो एक बार फिर से जो सरकारी स्कूलें हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें, उनको बंद करने की जो शुरुआत है वो सरकार की ओर से कहीं ना कहीं की जा रही है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा इस तरह का प्रस्ताव है वो आगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भेजा जा रहा है जी। ठीक है, इसको लेकर कोई बयान प्रशासन या सरकार की तरफ से कि कारण भी नहीं बताया गया, आखिर ये प्रस्ताव भेजा क्यों गया? देखिए, जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये स्कूलों का चयन किया गया है, जो नई महात्मा गांधी स्कूलों को शुरू करने की जो कवायद पिछली भाजपा सरकार की ओर से किया गया था। तो कोटा जिले की ये 19 ऐसी स्कूलें हैं जो अलग अलग ब्लॉक की, जिसमें खैराबाद ब्लॉक की 4 स्कूलें हैं, इसके अलावा इटावा ब्लॉक की करीब 10 स्कूलें और सुल्तानपुर ब्लॉक की करीब 9 स्कूल, जो करीब 6 स्कूलें हैं जिन स्कूलों को कर्मोन्नत किया गया था इंग्लिश मीडियम में, लेकिन अब इन 19 स्कूलों को बगैर किसी कारण के पुनः सामान्य स्कूलों में परिवर्तन करने के लिए जो प्रस्ताव है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया है जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की कवायद शुरू हो गई है, कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही है, प्रस्ताव भेजा गया है।